तो भी अनफिट कर देगा, और चेस्ट में कुछ प्रॉब्लम दाग उग रहेगा तो भी अनफिट कर देगा। मेरा आदमी एक दो का पांच टिक होता है टोटल, पांचवा टिक लग जाएगा आपका फाइनल हो जाएगा, फिर उसके बाद आपको प्रिंट। लो दोस्तों, वेलकम हो गया मेरा यूट्यूब चैनल पे। कतर आना है तो ये वीडियो जरूर देखना। कतर मेडिकल सेंटर QVC। QVC क्या है इसका पूरा हम बायोडाटा बताएंगे। कतर आना है तो मेडिकल कैसे करवाना है। कतर मेडिकल सेंटर इंडिया में 7 मेडिकल सेंटर है। 7 मेडिकल सेंटर आपको मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, आप लखनऊ, हैदराबाद और चेन्नई और कोची, ये 7 QAC है कतर का मेडिकल सेंटर। कतर का मेडिकल सेंटर है वहाँ। वहाँ आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा पैसा। पैसा वहाँ पे यहाँ से पेड हो जाता है। टोटल कतर का मेडिकल में खून जांच और सीना एक्सरा करेगा, खून जांच, चेस्ट जांच और आइस जांच यानी आँख का भी जांच करेगा। फिंगर लेगा, 10 उंगली का पूरा फिंगर लेगा। आपको कुछ भी प्रॉब्लम है थोड़ा बहुत कि हाँ शुगर है या तो आपको चेस्ट में कुछ प्रॉब्लम है तो पहले आप जांच करवा लेना नॉर्मल मेडिकल, खून जांच और एक्सरा करवा लेना। सिर्फ मात्र 500 से 800 जाएगा, दोनों चीज़ जांच हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। नहीं तो वहाँ जाओगे फिर जांच करवाओगे फिर उसका पैसा कंपनी का नुकसान होएगा, फिर वो पैसा लेगा। उससे अच्छा है कि पहले अपना 800 रुपये लगेगा खून जांच और वो क्या बोलते हैं सीना जांच करवा लेना, उसके बाद ही कतर मेडिकल। शुगर रहेगा तो भी अनफिट कर देगा, और चेस्ट में कुछ प्रॉब्लम दाग उग रहेगा तो भी अनफिट कर देगा। मेरा आदमी एक दो का अनफिट हो चुका है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोग पहले ये समझ लो। मैं पूरा स्क्रीन वीडियो बनाता हूँ, स्क्रीन पे चलो, स्क्रीन पे दिखाता हूँ क्या क्या सिस्टम है और कतर यानी मेडिकल हो गया उसके बाद कैसे उसको जांच करेंगे, मेडिकल सेंटर कहाँ जांच हुआ, कहाँ गया, कैसे फाइनल हुआ कि नहीं, वो सब हम बताएंगे गूगल पे। ठीक है, कैसे जांच होता है चेक करते हैं। कैसे USC पेपर मिल जाएगा, उसके बाद अपॉइंटमेंट मिल जाएगा कि इतना तारीख को है, इतना बजे यानी 8-9 बजे सुबह मेडिकल है इस जगह पे है। हो या मुंबई हो, दिल्ली हो, कलकत्ता हो, जहाँ भी हो वहाँ पे जो है जाना है, और QAC पेपर 3-4 पेपर आता है वो सब ले जाके देना है। QAC पेपर दिखा देंगे कैसा होता है, जो चेक हो जाएगा उसके बाद आपको कतर वीज़ा सेंटर यहाँ गूगल पे आके लिखना है, यानी 2 दिन के बाद कि क्या मेरा वीज़े का प्रोसेस है यानी मेडिकल पास हुआ कि नहीं, उसके लिए चेक करने के लिए आपको गूगल पे जाके आपको लिखना है कतर वीज़ा सेंटर। यहाँ वेबसाइट खुल गया www.katarvisacenter.com, इस पे आपको जाना है। इसका जो ब्लू वाला दिख रहा है इस पे QAC पे आ करके आपको ये देखिए ये खुल जाएगा आपका साइड, ये खुल गया है। आपको यहाँ लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, यहाँ देखिए नेपाली, बांग्ला, उर्दू, बांग्ला, हिंदी, गुजराती, मराठी, जो भी है आपका लैंग्वेज वो सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे देखिए हम इंग्लिश सेलेक्ट कर रहे हैं। इंग्लिश सेलेक्ट करने के बाद यहाँ देखिए नीचे वाला ऑप्शन में यहाँ आ गया सेलेक्ट कंट्री, कंट्री सेलेक्ट कर लीजिए कि आप कौन से कंट्री से हैं। श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, फिलीपीन, ये सब देश में, 6 देश में है QAC सेंटर है। इंडिया में 7 है आपको बताई है, तो ये इंडिया आप सेलेक्ट करिए। इंडिया से तीसरे नंबर पे ट्रैक एप्लीकेशन पे आ जाना है, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ आ रहा है पासपोर्ट, वीज़ा और इंटर कैप्चटर। ठीक है, तो यहाँ हम आते हैं पासपोर्ट पे। ठीक है, पासपोर्ट पे डालना है आपको जो भी है आपका पासवर्ड नंबर डालना है। अब इसको हम कैप्चा को डालते हैं SUDR। देखिए ये हो गया, अब इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद जो है अब देखिए अब जो भी प्रोसेस होगा, लॉगिन हो रहा है। अब देखिए ये 4 लग गया है, 5वां नहीं लगा है। ठीक है, 4 हमारा जो है
चार चीज़ लग चुका है, चार टिक, पांच टिक होता है टोटल, पांचवा टिक लग जाएगा आपका फाइनल हो जाएगा, फिर उसके बाद आपको प्रिंट निकल जाएगा। आप वीज़ा का पैसा दीजिए वहाँ पे, यानी फ्री वीज़ा से आप आ रहे हैं तो आपको वीज़ा का पैसा देना पड़ेगा वहाँ, या कंपनी से आ रहे हैं तो कंपनी वाले जो हैं आपका वो वीज़ा पेमेंट करेगा वीज़ा का, तो वीज़ा प्रिंट निकल जाएगा। आपको वीज़ा प्रिंट कैसे निकलता है वो गूगल से, यहाँ से भी निकल जाएगा एक साइट से, वेबसाइट से, वो भी हम आपको बताएंगे। ये देखा, चार है पाँच लगेगा, तो बताते हैं। देखिए डेट, देखिए इसमें 8 सितंबर को ये डेट है जो मेडिकल हुआ है, 9:59, 10 बजे के करीब ये हुआ है मेडिकल। ये आपको फिर जाके स्टार्टिंग यहाँ टाइमिंग दिए हुए हैं, देखिए 8 तारीख को आपको 11:15 यहाँ हुआ है, ये इसको भेजा है, 12 तारीख को रेफ़र किया है 1 बजे के करीब, फिर मेडिकल रिपोर्ट सबमिट किया है 12 तारीख को 8:30 रात में, ठीक है 8:30। उसके बाद जो अभी है वो मेन एम्प्लॉयर को नहीं भेजा है, यानी इसका शुगर का इशू था, शुगर बढ़ा हुआ था इसलिए नहीं हुआ है, ठीक है दोस्तों। यूएससी चेक करने का प्रोसेस देख लिए कैसे होता है जो, और बाकी जो है यहाँ पे आपको नंबर मिलेगा आपको हेल्प, क्यूएससी हेल्पलाइन, ये देखिए कतर का हेल्पलाइन है और ये इंडिया का, आप इंडिया में हैं तो इंडिया का हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करिएगा कि मेरा ये क्यूएससी आ चुका है, हम मेडिकल करवाए हैं, अभी तक का मेरा वीज़ा नहीं आया है, क्या प्रोसेस है, वो कॉल करिएगा वो बताएगा, या तो चैट भी है, लाइव चैट कर सकते हैं आप। और ये देखिए ये कतर का है, जो कतर में रहता है वो कतर से भी कॉल करके अपना जानकारी ले सकता है, ठीक है दोस्तों। अब बता दिया हूँ आपको प्रिंट कैसे निकलता है, वीज़ा प्रिंट होने के बाद प्रिंट कैसे निकल जाएगा वो भी हम बताएंगे अभी वीडियो।